आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू विश्वकर्मा मल्टीक्राप थ्रेसर की कुछ सेटिंग्स के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आपको अभी तक किसी ने बताया होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेडर की। तो देखिए, वेडर की सेटिंग सोयाबीन की, मूंग की, चने की, उड़द की, सभी की वेडर की सेटिंग सिर्फ एक जैसी ही रहती है। वेडर का एक स्पेशली वीडियो बनाया गया है, जो कि वीडियो के एंड में आपको एक बॉक्स मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप उसको फुल वाच कर सकते हैं। अगर फिलहाल कंडीशन में मूंग की सेटिंग की बात करें तो देखिए, इसमें तलवार की बात करें तो इसमें एक दो तीन तलवार लगी है, उसके बाद फिर चौथी निकली है, फिर पाँचवीं लगी हुई है सूखी मूंग, जो कि आज कटती है, उसके बाद कल धूप खाती है और फिर तीसरे दिन निकलती है। दूसरे तीसरे दिन जब निकलती है तो ऐसी कंडीशन में आपको इस प्रकार से ये सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद में अगर झूले की बात करें तो झूले की सेटिंग सभी को मालूम है और फिल्टर की जो सेटिंग है वो भी आप सभी को पता है, लेकिन मैं आप सभी को कुछ एडिशनल सेटिंग्स बताना वाला हूँ। देखिए, पीछे की साइड ये जो पत्ती दी गई है, ये वाली, ये किस लिए दी गई है और ये क्या काम करती है और इसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि आप इस पत्ती को यहाँ से ये नट ढीले करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। ऊपर करने के बाद यहाँ से क्या होगा कि इस चलने में से जो हरे दाने वाली मूंग है वो यहाँ से इस वाले, ये वाला जो कैनाल टाइप बनी हुई है यहाँ पर आएगी और यहाँ से ये यहाँ पर आप एक बकेट रख देंगे तो बकेट में से यहाँ से बाहर चली जाएगी। उसके साथ ये जो फलियाँ यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं ये भी इकट्ठी नहीं होंगी और इससे क्या होगा कि यहाँ से आपकी मूंग बिल्कुल साफ़ आएगी। तो ये सेटिंग्स के बारे में मेरे ख्याल से किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा, तो आप इस प्रकार से ये सेटिंग करके देख सकते हैं। अगर आपकी थ्रेसर बढ़िया चल रही है तो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। काफ़ी लोग क्या इसको सिर्फ बंद करके ही रखते हैं। अभी मैं इसको आपको खोल के और उसके बाद फिर आप देखेंगे वीडियो में कि ये किस प्रकार से निकल रही है। इसमें क्या दूध वो आ गया मेरा।